सो हे गाइस वेलकम बैक विद माय अदर वीडियो और मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ एयरचेयर। सो गाइस एयरचेयर वन ऑफ द कूलेस्ट एंड द एडवांस फ्रीजेस है। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए एंड ट्राई करना चाहिए एयरचेयर, क्योंकि मैंने इसमें इजीएस्ट ट्रिक्स बताए जिससे आप एयरचेयर जल्द से जल्द और इजिली सीख सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस एयरचेयर सीखने के लिए फर्स्ट आपको कुछ बेसिक फ्रीजेस आना चाहिए। फर्स्ट है बेबी फ्रीज एंड चेयर फ्रीज, और कुछ एक्सरसाइज जिससे आपका जो शोल्डर है वो प्रॉपर स्ट्रेच हो एंड आपका रिस्ट है वो भी प्रॉपर स्ट्रेच हो, जिससे आपको कोई इंजरी ना हो। सो गाइस आपको स्टार्ट करना एक बेसिक एंड द सिंपल सिटिंग पोजीशन से। देखिए कुछ ऐसा, एंड जो आपका राइट हैंड है ओके, उसका जो एल्बो है आएगा एग्जैक्ट कमर के थोड़ा सा ऊपर, एंड वहाँ से आपको ट्राई करना है कि चेयर फ्रीज करें। बट चेयर फ्रीज कर रहे हो तो आपका हैंड है पीछे से आएगा, देखिए कुछ ऐसा, एंड बन जाएगा चेयर फ्रीज। और गाइस इससे क्या होगा, जब आप एयर चेयर करोगे तो एक प्रॉपर बॉडी रूटीन में आएगा ओके। एंड गाइस आपको इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। जब आप हैंड रखते हो फ्लोर पे तो आपका हैंड पोजीशन होना चाहिए कुछ ऐसा ओके, आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है। जिससे क्या होगा, जब आप परफेक्ट हैंड रखोगे तो प्रॉपर आपका एयर चेयर आएगा, प्रॉपर बैलेंस बनेगा। सो गाइज अब बढ़ते सेकेंड स्टेप की तरफ। तो गाइज अभी आपको सपोर्ट लेना है किसी भी चीज़ का, लाइक चेयर का लो, बॉक्स का लो, या वॉल का लो, या पोल का लो ओके। सो मेरे पास चेयर है तो मैं चेयर का सपोर्ट, और आपको एग्जैक्ट रखना है आपके फेस के सामने, देखिए कुछ ऐसा, एंड आपको उसका सपोर्ट लेना है ओके। कमर पे हाथ रखना है जो राइट हैंड है, एंड ट्राई करना है कि बैलेंस करे, देखिए कुछ ऐसा। एंड आपको ये भी ट्राई करना है जैसे चेयर पे जाओगे ओके, अप डाउन अप डाउन। सो गाइस इससे क्या होगा, जब आप एयर चेयर करोगे विदाउट सपोर्ट से तो आपका जो बॉडी है प्रॉपर ऑटोमेटिकली वैसा रिजल्ट देने लगेगा विदाउट सपोर्ट से भी। सो गाइस अब बढ़ते थर्ड ट्रिक की तरफ, और वो है जब आप एयर चेयर करो तो आपको डाउन देके एयर चेयर करना है, देखिए कुछ ऐसा। सो गाइस इससे क्या होगा, जब आप एयर चेयर करोगे तो प्रॉपर बैलेंस बनेगा ओके, एंड जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है एयर चेयर में वो भी क्लीन दिखेगा। एंड आपको इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि जो आपका चेस्ट है वो थोड़ा टाइट हो ओके, जो आपका हैंड है वो पीछे होल्ड होना चाहिए, देखिए कुछ ऐसा, जिससे आप एयर चेयर करते समय बैलेंस भी बना पाओगे, एंड जब एयर चेयर करोगे तो आप बॉडी कंट्रोल भी कर पाओगे। एंड थर्ड स्टेप तक आपका एयर चेयर दिखेगा ऑलमोस्ट, देखिए कुछ ऐसा। सो गाइज अब बढ़ते लास्ट एंड फोर्थ स्टेप की तरफ। तो गाइज आपको इसमें ट्राई करना है कि जब आप एयर चेयर कर रहे हो तो जो दोनों आपके लेग्स से ट्राई करें जितना हो सके उतना आपके चेस्ट के पास खींचे, देखिए कुछ ऐसा। तो गाइज इससे क्या होगा, जो आपका एयर चेयर है वो परफेक्ट बन जाएगा। एंड जैसे आप दोनों लेग्स अपने चेस्ट के पास खींच लेते हो, अभी आपको ट्राई करना है कि जो आपके अपोजिट लेग है, मतलब जो आपका लेफ्ट लेग है ओके, ट्राई करें कि स्ट्रेट करें, देखिए कुछ ऐसा। सो गाइज इसमें जो आपका एयर चेयर है और भी एडवांस लेवल दिखेगा, क्लीन दिखेगा, परफेक्ट दिखेगा, एंड आपका एयर चेयर है वो हो जाएगा 100% क्लीन एंड परफेक्ट, देखिए कुछ ऐसा। सो गाइज ये था एयर चेयर ट्यूटोरियल, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया हो कि एयर चेयर कैसे करना है। तो गाइज अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे कोई भी अपकमिंग वीडियो आप मिस ना कर पाए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पीस।